नमस्कार, कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सबा शाहिद शेख। उत्तर प्रदेश में आयकर विभाग की कार्रवाई में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव और पूर्व विधायक आजम खान फंसते नजर आ रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ जो लोग उनकी मदद कर रहे थे उन पर भी शिकंजा कस गया। आजम खान के काले कारोबार में जो उनकी मदद किया करते थे अब उनकी भी खैर नहीं है, क्योंकि आजम खान के घर पर हुई छापेमारी में कई ऐसे राजों से पर्दा उठा है जो राज कभी बाहर आने वाले ही नहीं थे। कौन है वो लोग जो आजम खान की मदद करते थे और क्या है पूरा मामला, देखिए इस खास रिपोर्ट में। मोहम्मद आजम खान से जुड़ी संस्थाओं के करंट अकाउंट न खोलकर सेविंग अकाउंट खोलने और उन्हें ब्याज देने के मामले में रामपुर जिला सहकारी बैंक डीसीबी के महाप्रबंधक सचिव उपेंद्र कुमार सारस्वत और उप महाप्रबंधक शकील अहमद को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। रामपुर सदर विधायक आकाश सक्सेना की शिकायत पर जांच के बाद सहकारिता विभाग ने यह एक्शन लिया। निलंबित अफसरों को लखनऊ मुख्यालय से अटैच किया गया है। रामपुर में डीसीबी की जौहर यूनिवर्सिटी शाखा में मोहम्मद अली, जौहर यूनिवर्सिटी और जौहर ट्रस्ट के नाम से दो सेविंग अकाउंट खोले गए थे। इसी तरह डीसीबी की डिग्री कॉलेज शाखा में रामपुर पब्लिक स्कूल का सेविंग अकाउंट खोला गया। इन तीनों खातों का संचालन आजम की तरफ से किया जा रहा था। नियमा मुताबिक तीनों संस्थाएं थी और उनके सेविंग की जगह करंट अकाउंट खुलने चाहिए थे। करंट अकाउंट में बैंक ब्याज नहीं देता है, जबकि सेविंग अकाउंट में जमा धनराशि के आधार पर ब्याज दिया जाता है। विधायक आकाश ने इसकी शिकायत अपर मुख्य सचिव सहकारिता से की थी। विधायक के मुताबिक शासन ने जांच करवाई, लेकिन बैंक अफसरों की मनमानी रिपोर्ट शासन को भेज दी गई। इस पर उन्होंने सीएम योगी आदित्यनाथ से शिकायत की। सीएम के हस्तक्षेप के बाद जांच के लिए कमेटी का गठन किया गया। कमेटी की जांच में ब्याज का भुगतान नियमों के विरुद्ध पाया गया। जांच रिपोर्ट के आधार पर दो अफसरों को निलंबित कर दिया गया है। विधायक आकाश सक्सेना के मुताबिक जुलाई 2022 में जौहर विवि के खाते में 17,58,000 और ट्रस्ट के खाते में 2,18,000 रुपए के ब्याज का भुगतान किया गया। रामपुर पब्लिक स्कूल के नाम से चल रहे खाते में 3,67,000 रुपए का भुगतान किया गया। विधायक के मुताबिक इन्हीं बैंक शाखाओं में सरस्वती शिशु मंदिर, सरस्वती विद्या मंदिर, आर्य समाज, जिला पंचायत जैसी कई संस्थाओं के भी खाते हैं, लेकिन इन्हें सेविंग की जगह करंट अकाउंट के रूप में खोला गया है। सपा के राष्ट्रीय महासचिव आजम खान सहित जौहर ट्रस्ट के सदस्यों के 30 ठिकानों पर 3 दिन से चल रही आयकर विभाग के छापेमारी शुक्रवार देर शाम खत्म हो गई। विभाग को ट्रस्ट में 800 करोड़ रुपए से ज्यादा की कर चोरी के प्रमाण मिले हैं। आजम सहित ट्रस्ट के सदस्यों के ठिकानों पर छापेमारी शुरू हुई थी। आयकर विभाग का कहना है कि अलग अलग ठिकानों से मिले दस्तावेज बड़े पैमाने पर गड़बड़ी की तरफ इशारा कर रहे हैं। चंदे और बाकी गतिविधियों के नाम पर काफी लेन देन ऐसा है जिसका कोई सही हिसाब नहीं है। आयकर की टीम ने इंजीनियरों के साथ जौहर विवि का 2 दिन तक मुआयना किया। सूत्रों के मुताबिक आजम ने जौहर विवि के भवन और संसाधनों के निर्माण में 40 करोड़ रुपए खर्च होने का दावा किया था, जबकि मौके पर जो मूल्यांकन किया गया है उसके हिसाब से लागत 1,000 करोड़ रुपए से ज्यादा है। कैंपस के अंदर 35 से ज्यादा अधिक भवन बने हुए हैं। घोषित 40 करोड़ के अलावा बाकी खर्च का कोई रिकॉर्ड नहीं है। किस ठेकेदार ने कौन सा भवन बनाया, आपूर्तिकर्ता कौन था, किसे कब और कितना भुगतान किया गया, पूछताछ में ये जानकारी आजम और ट्रस्ट के अन्य सदस्य नहीं दे सके। काफी भुगतान बिना टीडीएस काटे किया गया था, इसका भी कोई हिसाब किताब नहीं मिला। जहां विश्वविद्यालय बना है वहां पीडब्ल्यूडी का गेस्ट हाउस, सड़क और 32 केवीए का सब स्टेशन था। इन्हें बे बाउंड्री बनाकर विवी के भीतर मिला लिया गया। विवी के निर्माण में सरकारी विभागों का बजट भी खपाया गया है। आयकर विभाग की टीम ने रामपुर में पीडब्ल्यूडी विभाग के कार्यालय से भी कई दस्तावेज कब्जे में लिए हैं। छापे के दौरान करीब 2 करोड़ रुपए का कैश बरामद हुआ है। वहीं जो जेवरात मिले थे आकलन और सत्यापन के बाद उन्हें वापस कर दिया गया है। पूरी रिपोर्ट सीबीडीटी को भेजी जाएगी। सूत्रों के मुताबिक छापे के दौरान सवालों के जवाब से अधिक आजम का ध्यान खुद को बेकसूर बताने पर रहा। कई बार वो भावुक हुए और कहा कि वो तो केवल जरूरतमंदों को शिक्षा दिलाने के लिए प्रयासरत हैं। इस रिपोर्ट में फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। नमस्कार।